तो दोस्तों, आप लोगों को डोरेमोन देखना तो काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, और किस किस को नहीं पसंद होगा डोरेमोन देखना, क्योंकि ये सीरीज़ है जो इतनी ज़्यादा फेमस। आज वर्ल्ड वाइड डोरेमोन इतना ज़्यादा पॉपुलर है, उसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2009 में इस सीरीज़ को वर्ल्ड की सबसे बेस्ट एनिमेशन शो का अवार्ड मिला था। जापान की गवर्नमेंट ने यह अवार्ड डोरेमोन के मेकर्स को दिया था। बट आज के समय में जैसा हम डोरेमोन देखते हैं, ऐसा डोरेमोन पहले के समय में बिल्कुल भी नहीं था। उल्टा, पहले के समय में यह जापान का सबसे बेकार शो हुआ करता था, जिसको प्रोड्यूस की थी एक बहुत ही वाहियात सी स्टूडियो ने, जिसका नाम था निपॉन टीवी डोगा। बट ये स्टूडियो आज के समय में आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये स्टूडियो कंगाल हो गई थी और एक समय के बाद ये स्टूडियो को बंद करना पड़ा। अब मैं क्या ही बताऊँ इस सीरीज़ के बारे। ये सीरीज़ इतनी ज़्यादा वाहियात थी कि क्योंकि इस सीरीज़ की एनिमेशन क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेकार थी, जो इसका सबसे बड़ा कारण था फ्लॉप होने का कारण। आप इस वाली डोरेमोन सीरीज़ को उस समय की लुपिन द थर्ड वाली एनिमे के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जो उस साल 1973 में ही बनी थी। साथ साथ इनके क्रिएटर फुजिको या फुजियोस को भी यह सीरीज़ पसंद नहीं थी, वो लोग खुद इस सीरीज़ से हेट करते थे। यह एनिमे सीरीज़ शुरू हुई थी 1 अप्रैल 1973 से लेके यह 30 सितंबर 1973 तक चली, और उसके बाद ये सीरीज़ की स्टूडियो की हालत तो आप लोग जानते ही हो। और इसके कुछ 25 ही एपिसोड्स एयर हुए थे जापान में। इस सीरीज़ के कैरेक्टर्स बड़े ही अजीब से थे। इस सीरीज़ के नोबिता की ही बात कर लीजिए, खैर उसके बारे में मैं आगे वीडियो में बात करूँगा। आज का डोरेमोन जो इतना ज़्यादा क्यूट और फनी और स्मार्ट है, पहले का डोरेमोन इससे एकदम ही अपोजिट था। वो एकदम स्टूपिड या डम टाइप का आप कह सकते हैं, वैसा टाइप का वो डोरेमोन था। अब आते हैं इस सीरीज़ के कैरेक्टर्स पर। इस सीरीज़ के कैरेक्टर में सबसे पहले डोरेमोन के बारे बात की जाए, बल्कि इस सीरीज़ का डोरेमोन इतना ज़्यादा बुरा था कि वो एक बार जियान को फैक्ट्री के चिमनी में डालने की कोशिश करता है, और वो इस काम में सफल होने ही वाला था। आप सोच ही सकते हैं कि डोरेमोन कितना ज़्यादा बुरा था इस सीरीज़ में। और जब डोरेमोन नोबिता के मम्मी पापा से मिलता है, तब नोबिता के मम्मी पापा डोरेमोन पे बर्तन फेंकने लग जाते हैं। अगर बाकी कैरेक्टर्स के बारे बात की जाए, तो नोबिता वैसा ही रोतरू लड़का था जिसको जियान काफ़ी ज़्यादा परेशान करता था, जो हम लोग सीरीज़ में देखते आ रहे हैं। बट जियान का कैरेक्टर इसमें थोड़ा सा अलग सा था। जियान इसमें एकदम गैंगस्टर टाइप का था, जो अपने पापा को खुद मारता था। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, जियान अपने पापा को मारता था। असल में इस सीरीज़ में हुआ ये था कि जियान की मॉम किसी कारण मर गई थी, जिसकी याद में जियान के पापा काफ़ी ज़्यादा रोते थे। इस सीरीज़ के बाकी कैरेक्टर्स तो ठीक थे। जब यह सीरीज़ मांगा से सीधा एनिमे सीरीज़ में आई, तब लोगों ने इसको बिल्कुल भी नहीं पसंद किया। अगर आप लोगों ने इस सीरीज़ को गूगल पे 1973 डोरेमोन करके सर्च मारा, ये आपको अलग ही एपिसोड्स के साथ मिलेगी। इसकी कोई भी ओरिजिनल डेटा अभी तक किसी को भी नहीं मिल पाई है, क्योंकि इसकी जो ओरिजिनल डेटा थी वो सारी की सारी एक फाइल में जल के राख हो गई थी। तब के बाद से ये स्टूडियो बंद पड़ गई थी, और इस स्टूडियो के पास पैसा भी नहीं बचा था, और इसी को हम लोग बोलते हैं दी लॉस्ट मीडिया। और इस पे भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप लोगों को 100 लाइक करने पड़ेंगे, तब जाके मैं इस पे वीडियो बना सकता हूँ। तो बस यार, आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा।